सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटरनेट जगत में और आप सब देख रहे हैं इंटरनेट जगत। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये तीन पल्ले का जो वार्डरोब जो कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन पल्ले का वार्डरोब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या प्राइस पड़ा है और इसमें क्या क्या है सारा कुछ ही मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको आप दबा लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ये जैसे कि मैं सबसे पहले दिखाऊंगा आपको ओवरऑल आप देखेंगे तो ये हमारा तीन पल्ले का पूरा एक वार्डरोब है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ ये मेरा 10 फीट का है और हाइट जो है ये 6.5 फीट का है। अगर आप देखेंगे 6.5 फीट का है। और अगर मैं आपको बात करूं अगर राइट साइड से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप ये 12 इंच का हैंडल देखते हैं जो कि चेस्ट हैंडल जिसको लोग बोलते हैं। इसको आप आराम से खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक सेक्शन। ये एक सेक्शन अप्रोक्स 3.5 फीट का है 3 फीट 4 इंच। आप ये एक सेक्शन देखेंगे ये आपका तीन सेक्शन है जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये साइड में हम लोगों ने ये सारे रैक को हम लोगों ने इसमें फिक्स किया है क्योंकि ये रिमूवल नहीं चाहिए था तो इसको हम लोगों ने फिक्स किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक ड्रायर दिया है जो हम लोग दो ड्रायर करते थे अब इसमें सिंगल ड्रायर किए ताकि उनका जो रिक्वायरमेंट था क्लाइंट का कि उनको सिंगल ड्रायर चाहिए था इसलिए हम लोगों ने पूरा यहाँ पे सिंगल ड्रायर किया है जो कि आप देख रहे हैं। और अगर आप इधर की बात करें हम तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक यू शेप का जो हैंडल होता है मान लीजिए एक हैंगर वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है और ये पूरा एक एरिया खाली है आप लॉन्ग ड्रेस वगैरह हैंग करके रख सकते हैं। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये वाला भी मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोगों ने रिमूवल दिया है ये एक रैक हो गया और यहाँ पे एक रिमूवल रैक दिया है जो कि आप कुछ भी सामान वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर मैं इसको बंद करके मैं दूसरा बीच वाला दिखाऊँ और अगर सेकंड पार्ट में आपको दिखाऊं सेकंड सेक्शन तो मैं इसको भी पूरा स्लाइडिंग कर दे रहा हूँ एक साथ में दो पल्ला स्लाइडिंग हो जाएगा। और ये वाला मिडिल एरिया जो है इसमें एक स्टोर करने के लिए मतलब सिंगल यूज मतलब स्टोर करने के लिए यहाँ पे लॉन्ग दोनों का ही कपड़ा हैंगर करने के लिए यहाँ पे सूट वगैरह या फिर कुछ भी लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने रैक वगैरह कुछ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ घर का एक स्टोरेज ऐसा था कि हम लोगों ने इसको क्या किया है कि यहाँ पे ड्रायर सिस्टम कर दिया है जो कि इसका हाइट आप देख रहे हैं पूरा ही स्टोर करने के लिए आपको जगह मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोगों ने नीचे में ड्रायर दिया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो ड्रायर को हम लोगों ने सामने का फेस ऐसा करके दे दिया है जो कि जिसमें इसमें हैंडल नहीं है आप यहाँ पकड़ के आप आराम से यूज में ला सकते हैं इसको। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाया जैसे आप देख लीजिए और अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं अगर आप ये साइड में देखेंगे तो ये साइड में आपको देखने को मिलेगा जस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं दो रैक है और यहाँ पे हम लोग का लॉकर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का लॉकर है एक लॉकर यहाँ पे आपका गोदरेज का लॉकर बैठेगा इसके लिए सिंगल एक पल्ला हम लोगों ने दिया है ये अभी लॉक है। और यहाँ पे हम लोगों का एक ड्रायर है जो कि उस साइड पे हम लोगों ने ड्रायर दिया है जो कि आपने देखा है यहाँ पे ये वाला ड्रायर यहाँ पे हम लोगों का है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भी हम लोगों ने जैसे आपको दिखाया ये पल्ला सिस्टम यहाँ पे आप अपना जो गोदरेज का लॉकर सत्र वहां पे आप रख सकते हैं। ये हम लोगों का एक ड्रायर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग ड्रायर जैसे उस साइड पे था ऐसे यहाँ पर भी है जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पर भी हम लोगों ने हैंगर के लिए प्रोविजन रखा है कि आप अपना लॉन्ग ड्रेस वगैरह रख सकते हैं। और ये भी हमारा फिक्स नहीं है ये रिमूवल रैक है दोनों ही रिमूवल रैक हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर ओवरऑल अगर बात करो लॉक का तो लॉकिंग में यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 हाइड्रोलिक पल्ला दिया है इसको हम लोगों ने लॉक हाइड्रोलिक पल्ला दिया है। अगर आप देखोगे तो ये पुश होके ये आपका आराम से उठ जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने ये देखा पूरा ही सारा ही पल्ला हम लोगों ने लॉक तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा और मैंने बताया था कि इसमें जो हम लोगों ने हार्डवेयर यूज किया है इसमें जो अगर मैं आपको नजदीक में ला के दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो चैनल है ये हमारा सॉफ्ट क्लोजिंग का चैनल है आप आपके सामने से देख पाओगे यहाँ पे कैमरा में ये पूरा हम लोग का एको का चैनल है और इसको हम लोग यू चैनल बोलते हैं।
ठीक है, इसको आप सी चैनल यू चैनल आप दुकान में से बोलोगे। इप्को का वार्डरोब के लिए हमको स्लाइडिंग चैनल चाहिए तो वो आपको ये निकाल के देगा। और इप्को का जो व्हील आता है वो व्हील हमारा नीचे में पल्ले में लगता है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो इन साइड में हमारा। और अगर मैं यहाँ पे लॉक की बात करूँ तो ये हमारा कबोर्ड लॉक जो है, अगर आप इधर से देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा, ये हम लोग का एक कबोर्ड लॉक है जो कि यहाँ पे पूरा ये गोदरेज का है। और ये हैंडल जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा क्रोम में है, थोड़ा मेटलिक लुक में है ये वाला। और ये 12 इंच का है जैसे कि आपने ये हैंडल देखा, और ऊपर में भी ये सब हैंडल आपका ये वाला 6 इंच का है जैसे कि आपने देखा। और जैसे कि आप अगर ओवरऑल पूरा देखते हैं, अगर मैं ये लेमिनेट की बात करूँ तो ये लेमिनेट आपको, अगर मैं ये लेमिनेट की बात करूँ तो ये लेमिनेट आपको यूरो का है, और ये 1.5 एमएम का ये पूरा लेमिनेट्स है, और ये ड्यूअल कलर में है जैसे कि आपने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ये आपको काम कराना है कोलकाता में, खड़गपुर में या फिर बिहार में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको मेरे फेसबुक पेज में इंटरेट जगत में जाकर मुझे मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, बाय बाय। तो जैसे कि आपने देखा, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस हमारा कोलकाता के लिए, ये जो आप नीचे वाला सेक्शन देख रहे हैं ये हमारा अप्रोक्स 75,000 में आपको ये बन जाएगा, आप नॉर्मल वाटरप्रूफ से बना सकते हैं। और अगर ऊपर में लॉक और इसको पूरा सेटअप को अगर बात करें तो ये आपको अप्रोक्स 95,000 रुपया, 95,000 से लेकर ऊपर में वो 3 इंच का स्कर्टिंग, पल्ले का हाइट 28 इंच, वो 3 इंच का स्कर्टिंग 4 इंच का, और यहाँ पे ये 3 पल्ला हाइड्रोलिक, सामने में ये 3 पल्ला आपका स्लाइडिंग वार्डरोब।